हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। एंड आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो मैं उठ चुकी हूँ और नहा चुकी हूँ। एंड हैप्पी नवरात्रि। और हम लोग अभी सुबह सुबह 6 बजे उठ के जा रहे हैं सारे पूजा की तैयारी करने, पूजा करने, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी इसलिए उठे हैं ताकि हम लोग आठवीं आलस के उठने से पहले सारी चीज़ें कर लें। तो और यही है। और ये देखिए अभी सुबह वेदर कितना अच्छा है इस टाइम पे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा। तो बस यही है, अब हम लोग जा रहे हूँ मैं पहले पूजा की तैयारी करने, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने अपनी पूजा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मम्मा बना रही हैं इसे, जैसा उन्होंने बताया था ये है अष्टदल कमल और ये हम लोग बना रहे हैं हल्दी से। तो ये बनेगा अष्टदल कमल, ये बना रही हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो धीरे धीरे और भी तैयारियाँ कर रही हैं। यहाँ पे 2 नारियल रखे हुए हैं, 1 नारियल हम लोग क्या करेंगे कलश पर रखेंगे और 1 नारियल माता के पास चढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। फिर इसके बाद हम लोग कलश को बैठाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए मम्मा ने, जैसे मैंने आपको दिखाया था, हम लोगों ने मिट्टी की एक परात लाई थी जो कि बाहर से हमने मार्केट से ख़रीदी थी। उसमें हम लोग मिट्टी डाल रहे हैं और जौ को डाल रहे हैं। इन जौ को हम लोगों ने रात में भिगो कर रख दिया था और फिर उसके बाद ये फूल गए थे। तो अब इसमें जौ को डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, फिर इस जौ की लेयर को डालने के बाद फिर इसके ऊपर मिट्टी की लेयर डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। तो इसमें जो अच्छे से डालेंगे ताकि इसमें जो चीज़ निकलती है वो अच्छे से निकल पाए। और यहाँ पे हम लोग अपने कलश में माला पहना रहे हैं उसको फिटिंग करने के लिए। और ये कलश में हम लोग बना रहे हैं स्वास्तिक और ये इसमें हम लोग स्वास्तिक बनाएंगे और श्री लिखेंगे। तो इसमें ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मम्मा लिख रही हैं, स्वास्तिक भी बनाएंगी और साथ में श्री भी लिखेंगी। तो ये है। फिर उसके बाद हम लोग इस कलश को उसी परात में बैठा देंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे, ये हम कलश को बैठा दे रहे हैं अच्छे से, उसको उसमें सेट कर देंगे। उसमें हम लोग डालेंगे गंगा जल और गंगा जल डालने के बाद हम लोग उसमें डालेंगे 1 का सिक्का, 1 खड़ी हल्दी, 1 बताशा, 2 इलायची और 1 सुपारी। ये सारी चीज़ें हमने डाल दिया है। और अब हम उसका नारियल तैयार कर रहे हैं। नारियल पे पहले हम लोगों ने स्वास्तिक लिख दिया है और उसके बाद उसके ऊपर एक चुंदरी बांध दी है। यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं आम के पत्ते और ये हम लोगों ने 11 आम के पत्ते लिए हैं और उसको फिर कलाई नारे से एक साथ बांध दिया है। और उसमें हम लोगों ने पूरे एक एक पत्ते में रोली और हल्दी से टीका लगाया है और उसको अच्छे से सेट कर दिया है। और फिर बस उसके बाद इस सारी चीज़ को हम लोग उसकी चौकी पे रख के और उसके ऊपर नारियल जिस पे हम लोगों ने चुंदरी बांधा था वो सेट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी कलश की स्थापना। और यहाँ पे अब हम लोगों ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे पहले जैसे सारी पूजा होती है, पहले भगवान जी को जल छिड़कना, गंगा जल, फिर उसके बाद उनको टीका करना और ये सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे ये सारी पूजा हो जाएगी। माता को चुंदरी पहनाना, माला पहनाना, भोग लगाना और फिर दिया करना। और मम्मा पाठ भी करती हैं तो वो सारा पाठ करेंगी वो, और उसके बाद आरती। तो बस हम लोग ऐसे ही पूजा करते हैं। और आप लोग कैसे करते हैं या कुछ डिफरेंट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूजा कैसे हम लोग करें। Thank you.
इतना अच्छा लग रहा है। कलाई नारा बनवा लूं? अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे हम लोग बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए खाना। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और टमाटर आलू की सब्ज़ी। यहाँ पे टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने कुकर में देसी घी डाला है, और उसमें हम लोगों ने डाला है हरी मिर्च, ज़ीरा और अदरक, और उसमें हम लोगों ने फिर छोटे छोटे टमाटर कट करके डाल दिया है, और उसमें सेंधा नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके उसको ढक के हम लोग थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि हमारे टमाटर थोड़े से गल जाएं। और यहाँ पे हम लोगों ने एक पाउडर पीस के रखा है जो कि है जीरा, धनिया और काली मिर्च। इन सबको पहले हम लोगों ने भूना है और फिर उसको पीस के उसका पाउडर तैयार कर लिया है। तो ये पूरा पाउडर हम लोग डालेंगे सब्ज़ी में, और इसके लिए हम लोगों ने सब्ज़ी में डालने के लिए 2 आलू को मैश भी कर लिया है, ये भी हम सब्ज़ी में डालेंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है थोड़ी सी थिक हो जाए। और यहाँ पे हम लोगों ने कटे हुए आलू और वो मसाला जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें ऐड कर दी है, और मैश वाले आलू डाल दिए हैं ग्रेवी को थिक करने के लिए। और बस इसमें हम लोग पानी ऐड कर देंगे और इसमें 4 सीटी लगा देंगे, और यहाँ पे है हमारा सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनेगी। उसके लिए हम लोगों ने लिया है सिंघाड़े का आटा, उसमें हम लोग धनिया पत्ती काटे हैं और हरी मिर्च काटे हैं, और ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने काट ली है। और इसके बाद हम लोग इसमें उबले हुए आलू को इसमें कद्दूकस में ग्रेट करके डालेंगे। क्यों इसमें हम लोग ग्रेट करके डालते हैं, हम लोग इसको हाथ से पीस के नहीं डालते हैं क्योंकि उसमें लम्स रह जाते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है पूड़ियाँ बेलने में बहुत दिक्कत होती है और पूड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं बनती है। इसलिए हम लोग कभी जब भी इसकी पूड़ी बनाते हैं तो इसको हम लोग कद्दूकस से ग्रेट करके ही डालते हैं। इससे एक एक आलू बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और अच्छे से बहुत आटे में मिक्स हो जाते हैं। और आप चाहें तो इस आटे की हम लोग पूड़ी बनाएंगे, आप चाहें तो इसका पराठा भी बना सकते हैं अगर आपको कम ऑयल का खाना हो। और यहाँ पे हम लोगों को आटे के कंपैरिजन पे आलू की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है, बराबर की क्वांटिटी नहीं रखनी है, अदरवाइज़ हमारा आटा फिर मतलब भागने लगेगा। और इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून सेंधा नमक और 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ताकि हमारी कचौड़ियाँ जो हैं वो क्रिस्पी क्रिस्पी बने। और इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग डाल के इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको सानते जाएंगे। हमें पानी एक बार में ऐड नहीं करना है, थोड़ा ही थोड़ा करके ऐड करना है ताकि हमारा आटा गीला ना हो जाए। और हम इसे अच्छे से फिर एक डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम आटे का डो तैयार करते हैं खूब अच्छे से, और फिर उसको बस फिर हमारा आटा रेडी हो जाएगा। जैसे हमारा आटा रेडी हो गया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर, गोली बनाकर उसको हम लोग बेल ले रहे हैं बेलन से। और ये देखिए हमारी पूड़ी की तरह बिल्कुल पतली पतली, जैसे आटे की पूड़ी बनती है वैसे हमारी इसकी भी पूड़ी बन जा रही है। बहुत से लोग इसकी पूड़ी ऐसे पतली पतली नहीं बना पाते हैं, तो इस ट्रिक से आप उसको आसानी से बना सकते हैं। और इसमें ऑलरेडी धनिया, मिर्चा और नमक पड़ा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको बिना सब्ज़ी के भी खा सकते हैं, खाली चटनी के साथ, और ऐसे सूखा भी खा सकते हैं। और हम लोगों ने उसको इक्वल शेप बनाने के लिए बेलने के बाद उसको कटोरी से कट कर दिया था,
तो आप चाहें तो उसको वैसे भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कढ़ाई में रिफाइंड गरम करके उसको पूड़ी को तल ले रहे हैं। उसको हम अच्छे से तल लेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन कलर की ना हो जाए। और इसको आप थोड़ा सा हाई फ्लेम पे ही तले, नहीं तो इसमें थोड़ा क्या होता है कि ऑयल थोड़ा सा भर जाता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। और गाइस आप इस रेसिपी को ज़रूर अपने घरों में ट्राई करिएगा, ट्रस्ट मी आपको ये बहुत अच्छी लगेगी खाने में, और मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। गाइज आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और सब्जी, ये व्रत की थाली आप अपने घर में भी बना सकते हैं और बहुत अच्छी लगती है ये पूड़ी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैप्पी नवरात्रि to all of you. Bye.